السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الدجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يقرون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أولا اگر آپ कि आसमान से पानी किसने नाजिल किया और मरने के बाद ज़मीन को जिंदगी किसने अता की तो जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने कह दीजिए कि हर किस्म की हमदना अल्लाह के लिए है उनमें के ज्यादातर लोग अक्ल नहीं रखते और ये दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा है और अगर लोग जानते तो आखरत की जिंदगी ही ये दायमी और हमेशगी की जिंदगी है नाजिल ने के सूर्न कबूत की आयत नंबर तिरसठ और ६४ इन दो आयतों में पहली आयत में अल्लाह ने एक सवालिया अंदाज अपनाया कि सल्लल्लाहु अलैहि अगर आप इनसे एक सवाल करें कि आसमान से पानी कौन नाजिल करता है पानी इंसान की जिंदगी की अलामत है पानी के बगैर जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता वज्लाई हर जानदार को हमने पानी से जिंदगी दी है ये इमारत भी पानी से कायम है ये दरख्त भी पानी से कायम है ये खेत ये खलियान ये पौधे ये फल ये खेतियाँ ये गले ये भी पानी से कायम है इंसान भी पानी से कायम है चौपाए भी पानी से कायम है पानी के बग़ैर आप कुछ नहीं कर सकते पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है फरमाया कि आप इनसे पूछे कि आसमान से पानी किसने उतारा बारिश ना होने से पहले जमीन सूख जाती है मुर्दा हो जाती है बारिश होती है तो देखिए कैसे हरियाली होती है अब इन दिनों आज कल मसल आज इक्कीस तारीख है जून की बम्बई के अंदर बारिश कितनी शानदार हो रही है आप अपनी बिल्डिंग के दरीचो से देखिए या बाहर जाकर के गाड़ी रोक करके पहाड़ी इलाकों को देखेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी क्या हरियाली है थोड़ा तो सा और बाहर निकल जाएंगे कोकन वगैरह के साहिल पर रायगढ़ रत्नागिरी तो फिर देखिए कितने खुशनुमा मनाजिर मिलेंगे बारिश नाजिल हुई जमीन जो मुर्दा थी अल्लाह ने जिंदगी दे दिया हरियाली आ गई तो कहा कि इस मुर्दा जमीन को जिंदगी कौन देता है आसमान से पानी कौन उतारता है तो वो यही जवाब देंगे कि अल्लाह ताला यानी उनका अकीदा है कि बारिश अल्लाह बरसाता है पानी अल्लाह ताला उतारता है और पानी के बगैर इंसान की जिंदगी का तस्वुर नहीं है पानी नहीं तो आदमी प्यासा मर जाता है तड़प करके सहारा में और पूरी जिंदगी की हैसियत बस पानी ही से जुड़ी हुई है बाज बाद ने वाक्य लिखा है खलीफा हारून रशीद की सीरत में कि एक मरतबा वो अपने गुलाम के साथ शिकार करने के लिए गया सहरा में जंगल में जब शिकार करने के लिए आदमी जाता है तो जंगल में क्या मिलेगा वहां तो नल पानी लाइट कुछ नहीं आज तो बाद ने जंगलों में भी लाइट पहुंचा दी हजारों साल पहले तो इसका तस्वुर नहीं था प्यासे मर जाते थे लोग उसे प्यास लगी पानी साथ में ले गए थे गुलाम से कहा जरा पानी पिलाओ गुलाम ने पानी दिया पीने के लिए जब पानी पीने लगे तो कहा कि रुक जाइए जरा पानी पीने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कहा पूछो गुलाम ने कहा कि अगर आपको सख्त प्यास लगी हो आधा गिलास पानी के बगैर आपकी जान जाने वाली हो मरने वाली बात हो ऐसे मौके पे कोई आपको एक घोट या आधा गिलास पानी दे दे और आपकी जान बच जाए तो आप उसकी क्या कीमत देंगे तो खलीफे हार रशीद ने कहा कि ऐसे शख्स को मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा पानी पीने लगे कहा एक सवाल और है उसका भी जवाब दे दीजिए कहा पूछो कहा ये जो पानी आप पी रहे हैं ये पानी पीने के बाद पेट में जम जाए रुक जाए पसीना या पेशाब के जरिए हजम होकर बाहर ना आए तो ऐसे सूरत में भी आदमी की जान चली जाएगी तो कहा पानी को बाहर निकालने में जो दिक्कत आएगी पानी को बाहर निकालने की क्या कीमत देंगे क्योंकि वहां आपकी जान जा रही है तो कहा उसको भी आजी सल तरफ दे दूंगा गुलाम ने कहा कि अल्लाह की एक नेमत, एक गिलास पानी के आगे दुनिया की आपकी पूरे सल्तनत की यही हैसियत है तो यह है पानी और फिर पूरी दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ने कहा हयातु दुनिया दुनिया की जिंदगी ये खेल तमाशा है और असल जिंदगी तो आखरत की है जो बाकी रहेगी इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम कहते थे मेरा और दुनिया का क्या लेना मेरी मिसाल तो उस सवार की है जो चला अपनी मंजिल की तरफ सुस्ताने के लिए किसी दर की छांव में थोड़ी देर रुक गया हो अब्दुल्लाह इब्न अमर रजी कहते थे कि नबी वसल्लम ने मेरे मोढ़े को पकड़ कर कहा कौन फिर दुनिया का अन्य के गरीब सबील बड़ी मशहूर सही की रिवायत के दुनिया में ऐसे रहो जैसे परदेसी या राह चलता मुसाफिर तो और अब्दुल्ला इब्न उमर कहते थे कि जब सुबह कर लो तो शाम का इंतजार ना करो शाम कर लो तो सुबह का इंतजार ना करो यानी एक परदेसी की जो जिंदगी होती है आप बम्बई में कुछ लोग परदेसी हैं कुछ लोग गल्फ में परदेसी हैं कुछ लोग मुल्क के शिमाल से जुनूब जुनूब से शिमाल परदेश की जिंदगी गुजारते हैं उन्हें पता है कि उनका एक टारगेट है एक मकसद है पूरा होगा फिर अपने वतन लौट आएंगे फिर जरूरत पड़ेगी फिर आएंगे एक मुसाफिर सफर में सोचता है कितनी जल्दी मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं तो मुसाफिर या परदेसी न परदेश में कोई मुस्तकिल रहेगा न सफर में यही हाल दुनिया का है दुनिया सफर और परदेश है हमारा असली वतन आखिरत है आपने कहा कुन फिर दुनिया का गरीब गरीबा दुनिया में ऐसे रहो जैसे परदेसी अरा चलता मुसाफिर हो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह फरमाते थे कि दुनिया पर अल्लाह की लानत बरसती है दुनिया की हर चीज पर लानत बरसती है मगर वो शख्स जो अल्लाह का इल्म रखता हो अल्लाह का दीन सीखता हो या जहाँ अल्लाह का जिक्र होता हो ऐसी जगहों पर अल्लाह की लानत नहीं बरसती अल्लाह अपनी रहमतें बरसाता है दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा कैसे है खेल खत्म हो जाता है तो खत्म मामला बड़े से बड़े मैच होते हैं वर्ल्ड कप होता है गया दौरे सरमायादारी गया तमाशा दिखाकर मदारी गया मदारी क्या खेल, खेल खत्म बचपन में आप खेल खेलते थे क्या उन खेलों को आप फिर खेलते हैं बचपन के सबके खेल अलग अलग हैं आप तो जानते हो हर इलाके और हर गांव और हर मुल्क के बचपन के लोगों का अलग अलग खेल होता था छुप जाना खेलना कूदना तो बचपन के खेलों को बड़े होने के बाद आदमी भूल जाता है बड़े होने के बाद बुढ़ापे में खेल भूल जाएगा और पूरी दुनिया की जिंदगी एक खेल तमाशा है और असल जिंदगी तो आखरत की जिंदगी है और काश के लोग इसे जान लेते तो इस आयत में अल्लाह ताला ने इन दोनों आयतों में दुनिया की जिंदगी की मिसाल दिया कि जिस तरह पानी जरूरत से ज्यादा हो तो भी उसके लिए मुसीबत है ना हो तो भी मुसीबत है, दुनिया अगर है तो भी आदमी बर्बाद हो जाएगा कम है तो भी बर्बाद हो जाएगा लेकिन ज्यादा उस वक्त बर्बादी का सबब बनती है जब दुनिया की मोहब्बत दिल में बस जाए और आखरत को भुला दे और अगर दिल में नहीं बसी है आखरत को याद करते हुए चाहे जितनी दौलत हो आदमी खर्च करता रहे कोई नुकसान उसे नहीं पहुंचेगा इसी तरह फकीर मोहताजगी में अगर मायूसी आ जाए अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए तो बहुत बड़ी जो है मुसीबत है बंदे के लिए और बाज हदीसें आप बार बार सुनते होंगे माए के से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर जब एक बकरी के मरे हुए बच्चे को देखा तो कहा कि जानते हो ये बकरी का मरा हुआ बच्चा है कौन इसे खरीदेगा कोई खरीदेगा एक दिन हमें कहा ये तो मुर्दार है तो आपने कहा अल्लाह के नज़दीक दुनिया इससे भी ज़्यादा हकीर है जितना कि तुम इस मरे हुए बकरी के बच्चे को समझते हो तो इन आयतों में पानी की मिसाल दे के दुनिया की जिंदगी की मिसाल दोनों आयतों में दिया कि पानी भी एक शक्ल में नहीं रहता घूमते रहेगा फिरते रहेगा चलते रहेगा दुनिया भी किसी के पास हमेशा एक जैसी नहीं रहती दुनिया हकीर चीज़ है हमेशा नहीं रहेगी दूसरा मसला तीसरा मसला इंसान दुनिया तलब करे हासिल करे रिस्क है लेकिन ये रिस्क इंसान को अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करे चौथा मसला ये अकीदा होना चाहिए आखिरत की है दुनिया फना होने वाली है पांचवा मसला इल्म सारी सूझ बूझ की बुनियाद है लव कानू यामून इल्म है तो इंसान के पास सूझ भी आएगी और छठा मसला इंसान के ओलूम में सबसे नफ़ा बख्श इल्म वो है जिसके ज़रिए वो अपने रब को पहचाने खालिक व मालिक को पहचाने वल आखिरत खैर व बका आख़रत में भलाई भी है भरी चीज़ है आखिरत और उसके लिए दवाम भी है अल्लाह हमारी दुनिया को संवार दे कि इस दुनिया में हमारी मीशत है और दुनिया में हमें इतना ना मशगूल करे कि हम आखरत को भूल जाए और अपने रब को भूल जाए अल्लाह हमारी आखरत को संवार दे कि वही हमारी दायम ज़िंदगी है हमारी आखरत की मंजिलेंता फ़रमाए उसकी नेमतें अ फ़रमाए आमी व सल्ह नबी महम्मद वही वसब अजम साम कराम नाजिलन कराम अल्लाह आप पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए और आप समात फरमा रहे हैं सूर्य अल कबूत की तफसीर हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुए रहेंगे और इसके बाद हम आयत नंबर पैंसठ जिसमें मुश्किल के कश्ती में सवार होने का जिक्र है उसके साथ उसकी तफसीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए असल वरम वक्त समाज से बुराई मिटाने में आई प्लस टीवी की मदद करें अपना ताउन ऑनलाइन ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें